पापड़ वाला ब्लॉग बनेगा ये। बहुत ज्यादा पसंद है मूंग के चिले, सो हम लोग मूंग के चिले बहुत चिप्स बनाएंगे हम आलू के। और इससे पानी में नमक भी डाला हुआ है। ये वाली मैंने ले ली है, मुझे यही ठीक। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हिमा जोशी उत्तराखंड से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल दस दिकारी ब्लॉग में। कैसे आप सभी लोग, आशा करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। सो आज के दिन की शुरुआत कर रही हूँ सुबह सुबह से। आज भी काफ़ी अच्छी धूप है। रोज़ मैं आपको बताती हूँ कि मौसम कैसा है। सो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा, देखो इतनी तेज़ धूप है कि कुछ दिख नहीं रहा। सच में बहुत तेज़ धूप है, गर्मियों के सीज़न आ गए हैं, बट जो ही मौसम चेंज हुआ तो सभी तबीयत वगैरह ख़राब चल रही है। सो आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और भले ही चंगे मन से मेरी वीडियो देखिएगा। सो आज के दिन को शुरू कर रही हूँ। आज हमारे बन रहे हैं घर पे मॉर्निंग में नाश्ते में, आज चावल दाल नहीं बन रहा, आज नॉर्मल खाना नहीं, आज हम सबके फेवरेट चीले बन रहे हैं। हमें बहुत ज़्यादा पसंद है मूंग के चीले। सो हम लोग मूंग के चीले खाना बहुत पसंद करते हैं। सो ईजा से बोला हमने, तो आज ईजा हमारे लिए वो सब बना रहे हैं। तो मैं थोड़ी फ्री हूँ, मैंने इंट्रो शूट कर लिया और साथ में आज के दिन में क्या क्या होता है आप सभी के साथ शेयर करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ये देखिए, ये बन गया यहाँ पे चीला, बिल्कुल ऑमलेट की तरह लग रहा है, काफ़ी ऑमलेट वाली फीलिंग आ रही है। वो उतना वहाँ पे अभी बना रखा है बैटर। अभी हो गई चिप्स बनाने की तैयारी। सो मैं आलू इतने हमने टोकरी में रख दिए हैं, ये हैं आलू। अभी के लिए इतने ही आलू हमारे पास, तो मैं फटाफट इनको छीलने का काम करती हूँ। ईजा खाना बना रहे और मिस्टर ड्यूटी में जाने को तैयार है, मैं अपना काम निपटाने लग जाती हूँ, क्या कर सकते हैं। सो मैं फटाफट इसे करती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ कि मैंने कितना काम किया शाबाशी वाला, क्योंकि आज खाना ईजा ही बना रही, क्योंकि चीला बन रहा तो चीला तो मेरे बस का है नहीं, मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया। सो मैं यही वाला काम करती हूँ, अपना ये काम निपटा लेती हूँ, फिर आंसू भैया बैठेंगे, आंसू भैया करेंगे अपना आधा काम। बहुत चिप्स बनाएंगे हम आलू के। खिल रु छे गुलाब जे जब ले मुखड़े तेरे चानू, के लगू छे जेबर ब्यूटी पार्लर मेरे भानू, के लगू छे जेबर ब्यूटी पार्लर मेरे भानू, न सूट भल न सड़ में पैसे दिछा गिन बेरा ब्यूटी पार्लर की। आलू तो छील दिए हैं और पानी में डुबो दिए हैं, अब इनको धोएंगे, वॉश करेंगे, साफ़ होंगे। और इतना ये टोकरी खाली की, देखो कितना अच्छा काम करती हूँ मैं, इतना मैंने कर लिया। अब इस बाल्टी में इनको वॉश करेंगे, फिर इनको हम कट करेंगे, फिर आपको दिखाती हूँ। तो एक हो गए कि मैंने उनके साथ भी खाया है, तो बहुत है। अभी आलू छिलने में गया वो लोग, ये देखिए ईजा ने पलटाया अभी वो। गाइस आप लोग भी बनाना मूंग के चिले, बहुत अच्छे होते हैं, हेल्दी भी होते हैं, बहुत मजा भी आता है। काफी भर भर के बढ़िया से मिर्ची डालना, भुना जीरा डालना। देखो हमारे आलू के चिप्स कोर दिए हैं अच्छे से, और इधर कौन आएगा। आलू के चिप्स हो गए, ये देखिए ऐसे लंबे में इन्हें अच्छे से कोर दिया है। अब इनको पानी, अभी हमारा गर्म हो रहा है, पानी में उबालेंगे इसका। पानी में नमक भी डाल दिया है, बस अब पानी में नमक डाल के इनको इसमें डालेंगे, उसके बाद फिर छत में जाएंगे, छत में धूप में सुखाएंगे। ये आलू के चिप्स से बन रहे हैं होली की तैयारी के लिए, क्योंकि होलियों में आपको पता है कीर्तन वगैरह होते हैं, तो एक दूसरे को कुछ ना कुछ खाए। जैसे हमारे यहाँ पे जब कीर्तन होता है आलू के गुटके वगैरह खाते हैं, तो यहाँ पे अभी आलू के चिप्स देते हैं, तो आलू के चिप्स की तैयारी हो रही है और हम लोग को खाते भी रहते हैं बहुत तल तल के। तो अभी इसमें ढेक में ढक्कन लगाया है, अभी ये उबल रहे हैं, अभी ये थोड़ा देर उबलेंगे, उसके बाद हम जाएंगे इनको छत में सुखाने।
ये देखिए अभी लास्ट बारी है, मैं आलू को अब ऊपर ले जा रही हूँ। ऊपर ही जा चिप्स सुखा रहे, और आलू के चिप्स की ये खास बात होती है इनको गरम गरम ही इन्हें सुखाना पड़ता है धूप में, नहीं तो ये इधर से चिपक जाते हैं और फिर टूटने भी लग जाते हैं। और इससे पानी में नमक भी डाला हुआ है, बस थोड़ी देर में होने वाला है, फिर मैं भी छत में जाती हूँ, फिर आपको छत में दिखाएंगे। छत में ही जा सुखा रहे और फिर वहीं दिखाती हूँ आपको मैं। डन गाइस, हमारे आलू के चिप्स बन चुके हैं जो कि हम दिन में इनको पलटा देंगे। दिन में तो अभी धूप अच्छी आई है थोड़ी, तो दिन में धूप में सूख जाएंगे तो फिर पलटने लायक हो जाएंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ सारे बने हुए चिप्स कितने बने हैं हमारे। ये देखिए पहले वाले इस हमने चादर में सुखा रखे हैं पहले वाले पापड़, और फिर दूसरी बार वाले जो मैं नीचे से लाई वो ये हैं, ये हमने धोती में सुखा रखे ईजा की साड़ी में। अभी ईजा इनको धोएंगे, मुझे ज़्यादा नहीं मिली ना उससे, तो मैं इनकी साड़ी उठा लाई नीचे से। पापड़ वाला ब्लॉग बनेगा ये, पापड़ वाला ब्लॉग। ये देखिए ये सूखने भी लग गए हैं, ये देखिए सब हल्के हो गए। और ऐसा हो रखा है आज का मौसम, हल्की धूप हल्के बादल, और हमें तो अभी धूप ही चाहिए क्योंकि धूप में थोड़ा चिप्स सूखेंगे तो अच्छे बनेंगे। ईजा मुझे छोड़ के नीचे को चले गए अकेले अकेले, मैं भी नीचे को जाती हूँ फटाफट से, फिर मिलते हैं आपको। अब फिलहाल हम अपने कपड़े वगैरह धोते हैं और यहाँ पे कपड़े सुखाएंगे, बहुत देर हो गई है आज हमें इसी में लगे रहे ना। तो अभी हो रहा है शाम का समय और अभी हम निकल रहे हैं मार्केट के लिए, मार्केट जाते हैं। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ हम आज जा रहे हैं मार्केट, तो मार्केट जाते हैं, मार्केट से सामान लाएंगे। आज राशन लाने का दिन है तो राशन लाएंगे। आपको मम्मी मिलती हूँ मार्केट जाके, और स्कूटी वो वहाँ पे खड़ी कर रखी है क्योंकि यहाँ पे बड़ा सा गड्ढा है ना, मेरे से ले जाया नहीं जा, तो उधर से आंसू भैया छोड़ के गए थे। अब वहाँ से मैं जाऊँगी और ईजा आएंगे अब नीचे, ईजा अपना झोला वोला लेके तैयार है। चलो हाँ मैं भी आ रही हूँ, बस आप भी चलो। तो गाइस अभी मार्केट में दिखाती हूँ सब्जी मंडी का क्या हाल है, सब्जी मंडी में कौन सब्जी किस रेट में मिल रही है, मैं वही दिखा सकती हूँ आपको। सो चलिए मिलते हैं मार्केट में। हाँ क्या धूप पड़ रही है, मुझे ठंड लग रही है तो उसकी वजह से धूप अच्छी लग रही है मुझे आज। चलिए तो हम मार्केट के अंदर आ गए हैं, यहाँ पे अभी मसाले वगैरह लेते हैं। आज मार्केट में मुझे लग रहा है कम भीड़ है, इतनी भीड़ नहीं है लग रहा। देखिए भाई सब खुले में रहता है। बेचारों का रोज़गार है, और कल देखना ये मार्केट पूरी सुन्न हो जाती है, सब अपने अपने दुकानों में बैठ जाते हैं। ये देखिए हम सब्जियों की दुकान में आ चुके हैं, और यहाँ पे पीला कद्दू आया है नया, और बाकुले आ चुके हैं, और लौकी आ चुकी है मार्केट में। सो ईजा ले जा रहे हैं बाकुले 30 रुपए के आधा किलो। लौकी खाओगे? हमने इस बार लाल मिर्ची का अचार भी डाला है। आज मार्केट काफ़ी अच्छी लग रही है, अभी धूप हल्की हल्की सी धूप। गाइस भिंडी हो रखी है 100 रुपए किलो। भाई इसमें अपना घर जाएगा अपन नहीं लेगा भिंडी। और हमने दो ही चीज़ें ली है, लौकी और वो, आप आगे को चलते हैं फिलहाल। और टमाटर हो रहे 10 रुपए किलो। अब हम सब्जी मंडी से बाहर आके अब हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ। मार्केट की तरफ जा रहे हैं होली की साड़ी देखने के लिए। देखो होली की साड़ी लगी है पीछे, तो हम भी सोच रहे हैं अपने लिए होली की साड़ी लेंगे और आपको भी दिखाऊँगे होली की साड़ियाँ। सो वो लगी है होली की साड़ियाँ, जिसमें से ये मरून के बगल से ये वाली मैंने ले ली है, मुझे यही ठीक लगी, फिर पता नहीं पहन के कैसी लगेगी। ईजा दे रहे हैं पेमेंट, और ये देखो मैंने पैक करवा ली है, अब मैंने यहीं पे देख ली, मैंने उससे तो ध्यान नहीं दिया इस पर। और इधर पे देखिए सूट लगे हुए हैं, इसका भी अच्छे अच्छे सूट लग रहे हैं, मेरे मन तो आ गया ये पिंक वाला, येलो वाला और वो स्काई ब्लू वाला। सो हमारे मार्केट का सारा काम हो गया और हमें मिल गए हमारे मिस्टर जी, बोल रहे हैं गाड़ी
अब हम जाएंगे घर की तरफ। जुकाम से बहुत हाल खराब हो गया लग रहा है, अब ज़्यादा तबीयत खराब होगी। आज थोड़ा जुकाम बढ़ सा गया है और मेरी स्कूटी तैयार है, उसमें दूध रख दिए और इसमें दूसरे रख दिए हैं। अब ईजा ला रहे हैं लाल आलू, जो कि आलू के घुटके में काम आती है वो है। अब मार्केट में शाम से होने लगे, चलते हैं घर को। ये कहने में बहुत बहुत साई पर्सन हूँ कहते हैं ना हमेशा। ये हेलमेट मैं पहन के ले जाऊँ। तो मित्रों अब हम घर आ गए हैं, घर आके काफ़ी अच्छा लग रहा है, कपड़े चेंज करके आराम मिल रहा है। मैं रोज़ की तरफ पैक हो चुकी हूँ क्योंकि शाम है ना, अब मैंने कहा स्वेटर क्या पहनूँ। और यहाँ पे हमारे मानो जी अपने काम पे लग गए हैं, ये देखिए। अच्छा आपको भी देखना है, कैसे देखते हैं ना भाव खाते हुए। सो अब मैं चलती हूँ बाहर को। अब ईजा अभी कहीं गए हैं, जहाँ पे सुंदरकांड था वहाँ पे ईजा जा रखे हैं। अभी ईजा ने बोला मैं वहाँ पे जाके आती हूँ। और अभी घर सुनसान हो रखा है, आज सुबह अपने रूम में है और हमारा अभी सब्जियों का सामान पह गया, अभी खुला नहीं है। अभी ईजा आएंगे, ईजा ही खोलेंगे। और बाहर हो चुका है अंधेरा, ये चक्कर बाहर मार के आती हूँ। अंधेरा हो ही गया है, आप लोगों को पता है ना, मैं एक चक्कर हमेशा मेरा रहता है कि मैं अंदर से आप लोग के साथ ब्लॉगिंग कर रही होंगी पर मैं बाहर ज़रूर आती हूँ, मेरा यही रहता है। तो मेरा वो हो जाता है कि मेरे को बाहर जाना है वाला। अब अंधेरा हो गया है, लाइट्स वगैरह खुलने लग गई हैं। पता है कुछ अभी से लोग मीन्स हल्की स्वेटर में और कोई तो विदाउट स्वेटर घूम रहे थे। मेरे को अभी से मतलब अभी मौसम चेंज हो रहा है ना, तो थोड़ा आप लोग भी अपना ध्यान रखना। मौसम चेंज हो रहा है तो तबीयत ख़राब हो रही है, जैसे मेरी हो रखी है। इतना लग नहीं रहा है मुझे देख के, बट अंदर से जो मेरे गले में हो रही है ना खराश, और मेरे नाक में जो ठंडी लगी हुई है, इतना दर्द हो रहा है। तो उसकी वजह से कह रही हूँ कि मौसम चेंज हो रहा है, आप सभी भी अपना ध्यान रखना। और अब मैं अंदर की तरफ चलती हूँ, उससे पहले आज के ब्लॉग में यहीं पे एंड करूँगी। सो गाइस अब मिलूँगी मैं आपको नई वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा, ताकि और अच्छा चैनल चले और आप लोगों के साथ मेरी और फैमिली बढ़े। सो तब तक के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और बाय बाय।